उत्तर भारत के राज्यों में कभी धूप तो कभी बारिश का सिलसिला जारी है। कई राज्यों में लगातार बदल रहे मौसम के बीच रविवार को चटक धूप खिली, जिससे कई दिनों से ठंड झेल रहे लोगों को राहत का एहसास हुआ। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि बुधवार को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है और कई राज्यों में ठंड बढ़ भी सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज देश की राजधानी दिल्ली में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि बुधवार से एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और अगले 2 से 3 दिन मौसम फिर बिगड़ जाएगा। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। रविवार को उत्तराखंड में मौसम साफ बना रहा। बर्फबारी रुकने के बाद कल चंबा धनौल्टी मोटर मार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए 3 दिन बाद खोल दिया गया था, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे अभी भी बंद पड़े हुए हैं। इस बीच कल हरिद्वार में धूप भी खिली, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से यहां दिन भर तेज हवा चलती रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग की माने तो मसूरी में आने वाले दिनों में मौसम साफ रह सकता है। IMD के अनुसार यहां हल्की धूप भी निकल सकती है, जिससे लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। यहीं से बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में आने वाले 2 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पंजाब और बिहार में सर्दी के लिहाज से अगले 24 घंटे भारी हो सकते हैं। IMD के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।